हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब केयर कर रहे होंगे, आप सब की मुश्किलें खत्म करें, आप सब की परेशानियां खत्म करें, आमीन सुम आमीन। सो ये मेरे लास्ट व्लॉग से रात से ही मैंने शुरू कर दी थी, तो यहाँ हेमंत गुस्से में थी थोड़ी से, और फिर हो गया था नेक्स्ट डे, तो एक नवा दिन शुरू हो गया था। और यहाँ कुकिंग कर रही थी, हम लोग का ब्रेकफास्ट ब्रंच सब हो गया था, और यहाँ कुकिंग के लिए मैं कलेजी गुर्दा बना रही थी, और उसमें थोड़ा सा कटाकट का मसाला भी डाल दी थी, और जल्दी जल्दी स्पीड में मैं कर ली थी कि फटाफट हो जावे और आप लोग को बोर नहीं होना पड़े। वे तो हो गई है, यहाँ खिचड़ी भी चढ़ गई है, और कोथमीर और हरी मिर्ची अभी सालन होने के बाद लास्ट में मैं डाल दूंगी। जब तक देखते हैं बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। ये अमन देखो टीवी के कितना नज़दीक है। अमन गो बैक, क्या इसी नज़दीक खड़े रहकर टीवी देखते रहती है? गोरी ब्रेन ईट से एप्पल बनाना। सो हो गई हम लोग की कलेजी भी डन, कलेजी गुर्दा सॉरी। मैंने इसको थोड़ा सा लाइक पतला रखी हूँ, क्योंकि हम लोग को रहाना है खिचड़ी से, और उसको एकदम ड्राई कर देंगे तो रोटी से भी बहुत अच्छा लगता है, ये इसमें टेस्ट आ जाता है अच्छे से कटाकट का। और खिचड़ी भी डन हो गई है, और यहाँ मैंने डाल दी हूँ कपड़े भी वॉश करने। कपड़े अभी ड्राई नहीं होते तो नीचू जाके करना पड़ता है लाइक लॉन्ड्री में। अच्छा है कि यहाँ लॉन्ड्री है तो टेंशन नहीं है। और ये अभी रखते हैं अंदर। ऐसे हो गया अभी सब किचन का काम डन। मैं आप लोग से अभी मिल रही हूँ आज, और लाइट वाइट भी बंद कर दी हूँ, और आज बहुत बारिश हुई है तो अंधेरा भी बहुत है, तो थोड़े से उजाला करते तो आप लोग को मैं दिख जाऊँ। वैसे मैं देख ही रही हूँ, हो गया उजाला। मुझे अंधेरे में बहुत घबराहट होती है, आज बारिश हुई है तो सब जगह लाइक अंधेरा अंधेरा हो रहा है, तो आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को यहाँ से ही मालूम पड़ रहा होगा। और अमन के सब पसा रहे यहाँ पड़े। ओके सो अभी करते थोड़ा सा रिलैक्स, अभी सब काम डन हो गया है, कपड़े भी वॉश करने डाल रही हूँ, कुकिंग भी हो चुकी है। और फिर आराम करने से पहले मैंने अमन के सब सामान थोड़े से ये साइड पे कर ली थी, क्योंकि वो यहाँ वहाँ फैला के रखती है और मैं ये सब साइड पे ही रख देती हूँ, क्योंकि उसको घड़ी घड़ी खेलने चाहिए, फिर निकाल के फैलाती है। इसके लिए मैं अंदर फिर रात को लाइक डायरेक्ट नाइट में ही रात को अंदर रखती हूँ सब उसके जगह पे, और अभी यहीं रहने देती हूँ। टॉयज से ज़्यादा ये सब चीज़ें पसंद है, लाइक बॉल स्पून यही सब चीज़ें लेके खेलती रहती है और कुकिंग करती है। टॉयज तो उसके यहाँ वहाँ फेंके ही होते हैं, वो आप लोग को लाइक दिखाता ही होगा जब देखो जब फेंका हुआ होता है। बस अमन आ गई थी सो के उठ के, तो इसकी मस्ती चालू थी और उसके डांस करना था, और फिर उसके दिन मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, फिर हो गया था नेक्स्ट डे, तो हो गया है एक नवा दिन शुरू। और बस नवा दिन के साथ काम भी शुरू हो जाता है, और कुछ भी नहीं है। और चलो बता दिया आप लोग को बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। ये चालू है इन लोग का तारक मेहता, और ये अमन, अमन डोंट थ्रो या अमन से हाय गाइस, ओके कीप इट हियर एंड ईट। ओके सो चलो अब चलते हैं किचन में, करते हैं काम शुरू, क्या क्या काम है आप लोग को बताती हूँ। तो उस दिन मैंने बनाई थी कड़ी खिचड़ी, और उसके साथ मैंने चिकन बनाई थी लाइक चिकन लेग पीस ली थी, उसके अंदर सब मसाले डाल दी थी, टिक्का मसाला चरगा मसाला, चलो वो तो मैं आराम से सब बताऊँ कि आप लोग को। सो वो मैंने चिकन मसाले वाली बना ली थी रात के लिए, और दिन में तो बच्चे लोग ने कड़ी खिचड़ी खा लिए थे। बस फिर चिकन को अच्छे से धो के उसमें कट लगा के मैंने मैरिनेट कर ली थी, और मैरिनेट करके मैंने रख दी थी 4-5 घंटे के लिए, और उसको रात को ही बनाई थी लाइक इवनिंग के टाइम पे 7-8 बजे, तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गल गई थी माशाल्लाह। तो हो गई थी बस कड़ी और खिचड़ी डन, और उसके एक दिन पहले का कलेजी गुर्दे का लेफ्ट ओवर सालन भी पड़ा था, तो उसको मैंने सुक्का बना ली थी, और ये खिचड़ी एक दिन पहले की थी तो मैंने इसको बघार करके गरम कर ली थी, और दूसरी खिचड़ी भी बनाई थी तो वो रात को हम लोग ने खा लिए थे, क्योंकि इतनी सारी खिचड़ी फेंकने मुझे दिल नहीं होता, और चिकन भी मैरिनेट हो गई थी माशाल्लाह, सब काम डन हो गया था। और कड़ी खिचड़ी के साथ कलेजी और गुर्दे का सालन भी बहुत अच्छा लगा था ड्राई एकदम। और किचन अभी मेरा इतना गंदा पड़ा है, अब मैं करती हूँ किचन को क्लीन। और मेरा डिश वॉशर इन लोगों ने नवा लगा के गए थे, बट ये भी नहीं चालू है, ये भी ख़राब है, सो बहुत थक गई हूँ मैं ये सब चीज़ों से। और अभी मैं ये करूँगी वॉश और करती हूँ किचन क्लीन। फिर तो हो गया है पूरा मेरा किचन भी क्लीन, सब काम डन हो गया, बर्तन भी वॉश कर ली, और खाना तो हो ही गया आप लोग ने देख लिया। अब चिकन को रख देती हूँ फ्रीज में। अब इसको निकालेंगे शाम को। हम लोग भी चलते हैं किचन से बाहर, किचन का काम डन हो गया, और थोड़ा सी हॉल का हाल सॉरी रूम का हाल सही करती हूँ। एमन ने कितना गंदा करी आप लोग को दिख रहा होगा, एमन का रोज का यही काम है, यह थोड़ा सा घर ठीक ठाक, फिर एमन आएगी तो यहाँ आप लोग को दिखेगा पसारा।
बाहर का भी क्लीन करना है, वो तो मैं बाद में आराम से कर लूंगी, बाहर का इतना वो नहीं है। अब मैं थोड़ी देर करती हूँ रिलैक्स, फिर मिलती हूँ आप लोग से बाद में। बस अभी हो गया है मेरा रिलैक्स मोड खत्म, रिलैक्स मोड मतलब आराम कर ली। अब जा रही हूँ फिर से किचन में, और अभी बजने हैं कितने बजे आप लोगों को मैं बताती हूँ। अभी बज गए हैं 7, अभी शाम के 7 बज चुके हैं, और मैं अभी करती हूँ चिकन की तैयारी। हाँ, चिकन मुझे रखना है पकने, तो चिकन को रख देती हूँ कुकिंग के लिए। फिर लाइक डायरेक्ट कुकिंग के लिए मैंने आप लोगों को बोली थोड़ा सा प्याज का बिरिस्ता डालूंगी और चिकन छोड़ दूंगी और चिकन बन जाएगी। तो ये चिकन मैंने प्याज डाल के बिरिस्ता डाल के इसको चढ़ा दी थी और ये बन गई थी। उसके बाद मैंने वीडियो लेने भूल गई, उसके बाद हम लोग को निकलना था, जाना था मुझे कुछ सामान लेने ब्रेकफास्ट के लिए, सामान लाइक ब्रेड दूध सब खत्म हो चुका था। तो हम लोग को जाना था टारगेट या वॉलमार्ट, बट मैं आ गई थी भरत बाजार, तो यहाँ से हम लोग ने ब्रेड की जगह पराठे ले लिए थे, क्योंकि यहाँ ब्रेड नहीं मिलते, लाइक यहाँ पाव मिल जाते, जो इंडिया के पाव होते वो मिल जाते और पराठे रहते। तो मैंने फिर पराठे ले ली थी 3-4 पैकेट, तो फैसल बोले पराठे से ही मतलब काम चला लेना, फिर ब्रेड ले लेगी 2-3 दिन बाद। तो मैं लीड्स हो गया, बच्चे लोग को पराठा और चाय वैसे भी अच्छा लगता है और पराठा अच्छा ही लगता है वैसे तो किसी को, तो मैंने फिर बहुत सारे पराठे ले ली थी यहाँ से। और यहाँ फ्रेश रोटीज़ भी मिलती है, बट मैंने रोटी नहीं ली क्योंकि पराठे से अच्छा लगता है ज़्यादा, लाइक रोटी तो घर में भी बना लेते, तो मैंने वो नहीं ली। फिर यहाँ हम लोग देख रहे थे कुछ स्वीट्स लेना था कुछ मीठा, तो फिर गाजर का हलवा ले लिए थे और रबड़ी ले लिए थे, बहुत टेस्टी थी माशाल्लाह, बहुत अच्छी थी, फर्स्ट टाइम हम लोग ने लिए थे चेक करने। वैसे यहाँ पहले हम लोग ने लाइक यहाँ से दूसरी काजू कतरी वो सब ले चुके, तो बस हम लोग का डन हो गया था। फिर हम लोग आ गए थे घर पे। एमन कम हियर, व्हाट यू हैव डन विथ योर हेयर बेबी? अभी बस रात का टाइम था, तो मैं और एमन खेल रहे थे, एमन पिकअप खेल रही थी और नुमा नूरन अंदर कुरान शरीफ पढ़ना, उन लोग की कुरान शरीफ शुरू हो चुका है 2 महीने से, लाइक रमज़ान से हॉलीडे थी तो अभी लोग का शुरू हो गया, तो लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे थे और एमन मेरे साथ खेल रही थी और उसके डैडी भी सो गए थे, फैसल भी अंदर जाके सो गए थे। तो बस इसको मेरे को पिकाबू खेलने इसको बहुत मज़ा आती है, तो वो खेल रही थी, फिर डॉल को सुला रही थी, यही सब उसकी मस्ती शुरू थी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह खेलते रहती है और कभी कभी हैरान करती है तो बहुत ज़्यादा हैरान करती है। तो बस बज गए थे रात के 1:30, तो मैं यहाँ फैसल के कपड़े आयन कर रही थी, वैसे तो नुमान आयन करता है लेकिन आज नुमान बोला मम्मा तुम कर लो, तो मैं चलो इट्स ओके मैं कर लूँगी। और यहाँ एमन फिर वही सता रही थी, हैंगर यहाँ वहाँ फेंक रही थी, और फिर हो गया था नेक्स्ट डे। तो बस हम लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे और इतने में वेयर हाउस वाले आ गए थे, मैंने आप लोग को बताई थी मेरे ड्रायर में प्रॉब्लम है, सो वो ड्रायर एक्सचेंज करने आए थे। लाइक उन लोगों को बहुत अच्छा है, मैंने यहाँ ऐसा है कि कोई कोई अपार्टमेंट में रेंट पे मिल जाते हैं, लाइक अपार्टमेंट में सॉरी अटैच आते वॉशिंग मशीन और ड्रायर, किसी किसी में रेंट पे लेना पड़ता है, तो मैंने यहाँ नहीं था तो मैंने यहाँ रेंट पे ली थी मशीन और ड्रायर। सो यहाँ अच्छा है कि जो प्रॉब्लम कभी भी होता है तो हम लोग एक फ़ोन करते हैं, तो माशाल्लाह ये लोग मतलब डेट देते और वो डेट पे आ जाते, और कभी रिपेयर होता है तो रिपेयर कर देते और रिपेयर नहीं होता है तो फिर एक्सचेंज करके जाते। लाइक यहाँ मैंने तीसरी टाइम इन लोग ने मेरा एक्सचेंज करके मुझे दूसरी मशीन और ड्रायर ला के दिए, बहुत अच्छी सर्विस है लोगों की, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो फिर अभी टेंशन मेरा ख़त्म हो गया था, या तो ड्रायर नहीं था तो नीचू जाके करना पड़ता था, नुमान जाके नीचू लॉन्ड्री में ड्राई करता था अभी, लेकिन माशाल्लाह ये आ गया था। ये वर्लपूल का लोग ने एक्सचेंज करके देखे गए थे, रेंट पे लेते ये, फिर जब रेंट अपने को लाइक वापस देना है तो लोगों को बोल देने का 15 डेज पहले, तो लोग आके वापस लेके चले जाते। उन लोगों ने मेरा दोनों एक्सचेंज कर लिए थे, लाइक वॉशिंग मशीन और ड्रायर दोनों सेम कंपनी के लाके एक्सचेंज करे थे। ये लोग लाइक डिपॉजिट पे लेते तो उसमें डिपॉजिट में और रेंट जो मंथली रेंट लेते उसमें लोग का रिपेयरिंग का भी लाइक पैसे आ जाते। बस तो लोग चले गए थे, फिर मैं यहाँ कुकिंग कर रही थी, आज कुकिंग भी थोड़ा लेट हो गया तो बस निहारी फटाफट मैं बोली निहारी बना लूँ, घर के मसाले में निहारी बना ली थी और राइस बना ली थी, फिर निहारी बन गई थी और हम लोग का खाना वाना भी डन हो गया था। मैंने वीडियो नहीं उतारी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और फिर फैसल भी आ गए थे और मुझे जाना था टारगेट, एमन का सब सामान लेना था लाइक वाइप्स और उसके डायपर बॉटल वोटल सब लेना था, तो फिर हम लोग निकल गए थे टारगेट के लिए। तो मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना पाई थी, मतलब लाइक खाना हुआ उसकी निहारी की भी मैंने वीडियो नहीं उतारी क्योंकि टाइम ही नहीं था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। पहुंच गए थे हम लोग टारगेट और टारगेट के सब काम पटा ली थी। ओके, तो मैं आप लोग को वही बता रही थी कि वॉशिंग मशीन और ड्रायर लग के गया तो मुझे एक काम तो बहुत इजी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा टेंशन खत्म हो गया, नहीं तो इतने दिन से लाइक ऐसा हो रहा था कि ड्रायर में नीचू जाना पड़ता था घड़ी घड़ी बच्चे को, और अभी ऐसा हो गया कि अब एक काम हो गया डन तो दूसरे काम का प्रॉब्लम है। लाइक मैंने डिशवॉशर भी मेरा ख़राब हुआ है आप लोग को पता है, और इतने दिन से ये दोनों चीज़ ही मेरी ख़राब हुई थी, और डिशवॉशर तो मेरा 20-25 डेज हो गया ख़राब हो गया, और उन लोगों ने मतलब बनाए ही नहीं थे, बट 2-3 दिन पहले लोगों ने एक भेजे लाइक न्यू वाला भेजे थे लेके, बट वो भी प्रॉब्लम दे रहा है। बस डिशवॉशर में प्रॉब्लम नहीं, मुझे लग रहा है कि पानी भर रहा है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, डिशवॉशर ओपन करो तो उसमें पानी भर जाता है तो मैं चालू ही नहीं कर रही हूँ, और इतने दिन से मैं हाथ से ही धो रही हूँ रोज बर्तन, लाइक ये लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतने दिन तक कंटिन्यूसली मैं हाथ से बर्तन धो रही हूँ, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता था, 2-3 दिन धोती हूँ बर्तन, इतने दिन नहीं।
तो बस जो भी है अभी धो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। बस ऐसा हो जावे कि मेरा डिश वॉशर अल्लाह करके बन जावे। और यहाँ बस मैं एमन का लाइक वो देख रही थी, उसका रैशेज का जो पाउडर लेती हूँ वो मिल नहीं रहा है मुझे इतने दिन से, तो बस वो नहीं मिला। फिर मैं बोली कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं क्रीम ले ली थी रैश की, और उसके बाद ये यहाँ से वाइप्स ले ली थी, डायपर ले ली थी, और उसकी दूध की बॉटल लेना था, और उसका पीडियाश्योर लाइक दूध का पाउडर था वो मैंने ले ली थी, वो भी क्योंकि उसको मुझे पीडियाश्योर इसलिए देना पड़ता है कि उसको बहुत पसंद है, वो घर का दूध ज़्यादा नहीं पीती है, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी उसको दे देती हूँ, होल मिल्क उसको कभी कभी देती हूँ, और ज़्यादातर वो यही पीती है। बस फिर हम लोग का डन हो गया था और हम लोग निकल गए थे, और फटाफट हो जाता है, लाइक बच्चे लोग नहीं होते तो इतना टेंशन नहीं रहता है, फटाफट सब लो और सब निकल जाती हूँ मैं जल्दी जल्दी, तो इसलिए मैं बच्चे लोग को लेकर नहीं निकलती क्योंकि बच्चे लोग को लाओ तो फिर एमन को रेडी करना पड़ता है और फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। ओके सो यहाँ हो गई थी नाइट टाइम और हम लोग मूवी देख रहे थे। ओके सो गाइज अभी हमारा व्लॉग यहाँ खत्म होता है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।